राजा राम इंटर कॉलेज तैयारी करा के जौनपुर ऑनलाइन शिक्षा में क्लास 11th के बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज का हमारा विषय है, सब्जेक्ट है इंग्लिश प्रोज है और लेसन पहले का द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, देशभक्त महिला का पहला पारा का शुरू किए हैं, वहाँ से आगे है पारा नंबर 10 पर। आज उसी के बारे में हम दिखाएंगे आपको, जब वह महिला जो बहुत भक्त थी, पूजा पाठ करती थी, जब जान गए कि मेरे देश में हमारे देश के वॉरियर योद्धा आने वाले हैं, तो उन्होंने उस दिन क्या किया, उसने कोई परिवर्तन, शाम के समय कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसने प्रार्थना भी नहीं की डेली, जैसे वह उसकी दादी माँ खुशवंत सिंह की दादी माँ डेली पर डे ही वर्शिप टू गॉड, वह प्रत्येक दिन ईश्वर की पूजा करती थी, बट ही डिड नॉट वर्शिप ऑन दैट डे, लेकिन उस दिन वह पूजा नहीं की। ही कलेक्टेड सम वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस के कुछ महिलाओं को इकट्ठा की और एक ढीली ढाली ढोलक लेकर के तेज तेज से बजाने लगी अपने योद्धाओं की सेवा करने के लिए, और उन्हें खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी जी को रोकने के लिए पूरा प्रयास किया कि दादी अब जो है अपना ढोल बजाना बंद कर दीजिए, जब ये फिर दोबारा अवसर आएगा तो आप दोबारा बजाना। लेकिन खुशवंत सिंह ने कहा कि मैंने पहली बार अपनी दादी को देखा कि जिंदगी में प्रार्थना नहीं की। यही पारा है, फिर देखिएगा। इन द इवनिंग ए चांस केम ओवर हर, सी डिड नॉट प्रे, सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एड एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंग फॉर सेवरल आवर्स, सी थम्पेड द सेगिंग स्किन ऑफ द डिस्प्लेटेड ड्रम एंड संग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स, वी हैड टू प्रेस्ट्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरटेनिंग, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई नो हर दैट सी डिड नॉट प्रे। देखिए बच्चों, प्रे माने प्रार्थना करना होता है, प्रे मीन्स क्या होता है, प्रार्थना करना, क्या होता है प्रार्थना करना, एक प्रे अगर उच्चारण वही है, प्रे प्रेम ये स्वीकार करना, लेकिन स्पेलिंग डिफरेंस है, ठीक है। और सबसे फेमस इसमें वर्ड है कुछ, अवार्ड, अवार्ड, अवार्ड माने बहकाना, बहकाना किसी बात को जब कोई कहता है तो आप जब किसी को बहकाते हैं तो कहते हैं भाई इसको बार बार हमने कहा इस बच्चे को किसी कार्य के लिए, लेकिन हमको बार बार हमारी बात को अवार्ड कर जाता है। वॉरियर्स, वॉरियर माने होता है वह योद्धा, क्या होता है योद्धा, जो कोई योद्धा वोद्धा बोलते हैं चाहे जो भी, ओमन महिला है। नेबरहुड माने पड़ोस, पास पड़ोस। ड्रम माने ढोल, ड्रम माने क्या होता है ढोल। सेवरल माने कई, सेवरल का मेनी हो जाएगा, सेवरल क्या हो जाएगा मेनी। सिंग का थर्ड फॉर्म सैंग, सिंग सैंग संग। ओवर इट वॉज द फर्स्ट टाइम, नो नो मिस जानना, नो नो मिस होता है जा न ना, और एक नो माने बच्चों नहीं होता है, लेकिन स्पेलिंग जो है अंतर होता है, डिफरेंस होता है, मीनिंग इज डिफरेंट, ठीक। अब आपको अर्थ बताऊंगा, ठीक। द इवनिंग, इन द इवनिंग ए चांस केम ओवर हर, ए इवनिंग जब शाम का समय आया, खुशवंत सिंह कह रहे हैं कवि जी कि जब मेरे दादी का शाम का समय आया, इन द इवनिंग शाम का एहसास अवसर के माने आया, ओवर उनका
शी डिड नॉट प्रे, शी माने वो, डिड नॉट माने नहीं, प्रेयर माने प्रार्थना की। वो बता रहे हैं कि मेरी दादी ने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड, शी माने वो, कलेक्टेड माने इकट्ठा की, गैदर्ड माने इकट्ठा की। ओमन महिलाओं को आप द नेबरहुड, अपनी पड़ोस की महिलाओं को उसने इकट्ठा की। कौन? उसकी खुशवंत सिंह की दादी। गाट एट एन ओल्ड ड्रम, एक वह पुरानी ढोल लाई एंड स्टार्टेड, और बजाना शुरू कर दी। एक पुरानी ढोल ला करके उसकी दादी माँ ढोल को बजाना शुरू की। फास्ट सेवरल आवर्स, कई घंटों तक बजाती रही। फार्म लिए सेवरल आवर्स माने कई घंटों तक ढीली ढाली ढोल को बजाती रही। ढीली ढाली ढोल को क्या करती रही? बजाती रही। एंड सैंग होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, और घर आते हुए योद्धाओं का स्वागत करने के लिए। वी हैड टू परस्यूड हर स्टाफ टू अवॉइड, वी हैड टू परस्यूड मैंने भरसक प्रयास किया हर उसको टू स्टाफ रोकने के लिए। अवॉइड द ओवर टेनिंग, ज़्यादा न बजाए। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कह रहे हैं कि मेरी दादी माँ पहली बार, सिंस आई नो हर, पहली बार मुझे पता चला, शी डिड नॉट प्रेयर, कि पहली बार जिंदगी में मेरी दादी माँ ने प्रार्थना नहीं की। फिर देखेगा, इन द इवनिंग ए चांस केम ओवर हर, इन द इवनिंग शाम के समय उसमें कुछ परिवर्तन आया। चेंज माने चेंज मिस परिवर्तन आया या अवसर आया। शी डिड नॉट प्रे, उस दिन उसने प्रार्थना नहीं सी कि। सी कलेक्टेड ओमन ऑफ द नेबरहुड, वह पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा की, सेलेक्ट की, गैदर की, कलेक्ट की, एंड गॉट एट एन ओल्ड ड्रम, और महिलाओं को इकट्ठा करने के बाद उन्होंने एक पुरानी ढोल लाई एंड स्टार्टेड टू सिंग, और ढोल को क्या कर दी? बजाना शुरू कर दी। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक वह ढोल को बजाती रही। सी ट्रम्पेट द सैगिंग स्किन ऑफ द डिस्प्लेटेड, वह जो ढीली ढाली ढोल को बजाती रही। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर, घर आने वाले धाव के स्वागत करने के लिए। वी हैड टू प्रेसिव टू हर स्टाफ द वाइड ओवर ट्रेनिंग द फर्स्ट टाइम, पहली बार हमने उन्हें बहुत प्रयास किया ढोल की न बजाए या उन्हें रोकने का बहुत प्रयास किया। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस आई नो दैट शी डिड नॉट प्रे, कि मुझे पहली बार पता चला कि जिंदगी में वह प्रार्थना नहीं की। ठीक बेटा, अब आइएगा रिफ्रेंस। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द पोर्ट्रेट of a lady written by Khushwant Singh, ठीक। अब चलेंगे कंटेस्ट। इन दिस लाइन
In this line, the poet describes about her grandmother. ठीक है, आई एक्सप्लेन चलेंगे. व्याख्या इन दीज लाइन्स द पोएट describes about her grandmother. Who has first time got a chance in the evening time. ठीक बच्चों, इसका हुआ who has या his grandmother has first time got a chance in the evening. She did not see worship on that day. She called she called near her housewoman उसी को हो जाएगा ऊपर से. she brought a drum. ये वाला है at a drum and began to rang them. He started or should I see rang the drum many hours. ये वाला started तो सी में many hours several time. The drum was loose. बेटा इतना हो गया ना, ड्रम इज लूज, ढीली डाली थी. बट ही डिड नॉट स्टॉप, लेकिन वह रुकना नहीं बंद की. कमिंग ही वॉज प्रसिड स्टॉप टू अवार्ड. तो आई वॉज मैनी आवर्स मैनी टाइम्स स्टॉप टू हर ग्रैंड मदर. कई बार उसने रुकने का प्रयास किया. फर्स्ट टाइम ही सा द खुशवंत सिंह ही सा
फर्स्ट टाइम पहली बार देखा माय ग्रैंड मदर इज नॉट अ प्ले इन द लाइफ, माय ग्रैंड मदर नॉट प्ले इन द लाइफ।